हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ज़्यादा बातें नहीं करके समांतर श्रेणी की 5 पॉइंट थी प्रश्नावली अपनी पहुँच चुके हैं हम। इसमें योगफल याद करना है, यानी एपी के सभी पदों का, इन पदों का योगफल याद करना है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, सवाल लिखा हुआ पड़ा है, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, ये एक एपी है जिसका सार्वांतर 2 है। आपको पता है पहला पद भी 2 है। आपको कहे कि 1, 2, 3, 4, 5 पांच पदों का योगफल याद करो, इनका योग याद करो, इनका योग हम जोड़ लेंगे, एक तरीका तो ये। लेकिन ये ही पद आगे बढ़ा दिए जाए, मान लेता हूं कि मैं ये ले लिया, मैंने 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 चलता रहे, मान लेते हैं इनका योगफल हम कैसे याद करेंगे। तो ये तो था वैसे तरीका, लेकिन यदि इसको सूत्र के द्वारा हम करेंगे तो ये बड़ा आसान पड़ेगा। और आज मैं योगफल का सूत्र बता रहा हूँ कि एपी के अन पदों का योगफल हम कैसे याद करते हैं। मेरे पास यहाँ जगह पड़ी है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ये सूत्र आपको याद करना है, एस का अर्थ होता है सम, सम का अर्थ योगफल होता है, अंग्रेजी में सम कहते हैं। पहला अक्षर ले लिया एस, एन का अर्थ है एन पदों का जोड़, जो जितने दिए गए उनका योग याद करना है। और सूत्र है n/2 × 2a + n - 1, छोटा कोष्ठक लगा देंगे, गुणा डी, बड़ा बंद कर दें। ये आपका सूत्र होगा एस एन का, ये पड़ा रहेगा। इस सूत्र को यदि मैं दूसरे मेथड से लिखूं कई बार आसान आ जाता है, n/2 × 2a को मैं लिख देता हूँ a + a, 2a हो गया a + a, और प्लस sin/cosec n - 1 × d। अब ये आपका नया सूत्र बन जाएगा जिसमें एल का उपयोग कर लेंगे। और ये आप देख रहे हैं a + n - 1 × d क्या कहलाता है, आपने पिछली 5.2 में किया था। an को हम l कहते हैं और l होता है a + n - 1 × d होता है, इसलिए इतने भाग को मैं l लिख देता हूँ। इसलिए sn याद करने का सूत्र दूसरा क्या होगा, n/2 SN = n/2 × a + सारे को हटा करके मैंने एल लिख दिया आपको। ये सूत्र भी आप याद रखेंगे। तो ये 2 सूत्र हो गए SN याद करने के। एक सूत्र है SN = n/2 बड़ा कोष्ठक शुरू 2a + छोटा कोष्ठक शुरू n - 1 × d। और यदि इसको ऐसे विस्तार करके लिख दिया तो आपका SN का फाइनल सूत्र ये भी आप याद रखोगे, SN = n/2 × a + l। अब l क्या है आपको बता चुका हूं, l an होता है, nवां पद होता है। अब ये सारा मिटो करके इतना रख लूं और ये sn का जो दूसरा सूत्र है l के रूप में वो ऊपर लिख रहा हूं जिसका उपयोग हम करेंगे, SN = n/2 × a + l, ये आप याद रखेंगे। अब आइए, 2 सवाल मैंने डाल रखे थे पहले, 1, 3, 5, 7, 10, 12 पदों तक आपको जोड़ याद करना है। तो एक बच्चा यदि ये करेगा तो 12 पदों तक लिख देगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25। फिर कितने पद हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यहां तक का जोड़ याद करना है। मैं जोड़ कर देता हूं, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 24, 1, 25, 25 और 3, 28, 28 और 33 और 7, 40, 40 और 9, 49, 50 और 3, 53, 53 का 3 और आखिरी होगी 5। और जोड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9 और 5, यानी इन सब का जोड़ 143 आता है। तो ये तो लिमिट में दिए हुए थे, 12 पदों तक मैंने जोड़ दिया, लेकिन करना ऐसे लगे गणितीय रूप से ऐसे करना है। तो ये तो अपना 143 आंसर आएगा, हमें पता है। यहाँ सवाल में दिया हुआ क्या क्या, इस सवाल को कर रहा हूं पहले पार्ट को, ए बराबर आपके सामने 1, अब ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। डी बराबर a2 - a, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 1, 3 में से 1 हटा देंगे, 2, डी का मान 2 हो गया है। 12 क्या है, 12 पदों तक, यानी एन का मान 12 है, कोमा लगा देता हूं, n = 12, ये आपको इन इन चीजों की आवश्यकता होगी आपके दिए गए सूत्र में। एक की आवश्यकता होगी,
डी की आवश्यकता होगी और एन की आवश्यकता होगी। सारे सूत्र में मान रख देंगे और यहां मान रख रहा हूं एस एन के स्थान पर 12 ले लेता हूं, इसकी एन डी होगी 12 पदों का योगफल और एन बटे दो, एन का अर्थ है 12 बटे दो गुणा दो ए, ए आपके सामने है एक है दो गुणा एक लगा दें और प्लस छोटा कोष्ठक शुरू कर दें, एन का मान 12 माइनस एक गुणा डी, सारांतर कितना था देख लें, सारांतर था अपना दो और गुणा दो, गुणा का चिन्ह लगाओ तो गुणा का चिन्ह लगा दें और नहीं वैसे ये आपका एसएन आ गया है, 12 पदों का जोड़ आ गया, 12 में दो का भाग लगा दो 6 आ जाएगा, 6 पे कट जाएगा और पहले गुणा कर लो ये दो एकम दो और काम सात कर लो 12 में से एक घटा दें 11 और गुणा दो कोष्ठक लगा दें बड़ा। अब बड़े कोष्ठक में दो चिन्ह आ गए, एक तो जोड़ का और एक गुणा का, पहले गुणा हल करते हैं, बार बार आ चुकी है बातें, एस 12 बराबर 6 गुणा गुणा लगाते हैं, अब चाहो तो बड़ा कोष्ठक लगा दें, पहले गुणा कर लो 2 प्लस 11 गुणा 22 कोष्ठक बंद। अब फिर जोड़ कर ले बड़े कोष्ठक में 12 में 2 जोड़ दें 24, एस 12 बराबर 6 गुणा 24 और 24 छिक्के 24 को 6 से गुणा कर दें 25 छिक्के 150 में से और 6 कटा दें 142 और मेरा 143 आया था, मेरी तीन भूल हो गई है, इसलिए इस एपी के 12 पदों का योगफल 143 आएगा। तो ये ऐसे बड़ी आसान सी प्रश्नावली छोटी सी है। दूसरा पार्ट, ए का मान 8 बदल रहा हूं, यही बदल रहा हूं, ए का मान 8, डी का मान ए टू माइनस ए होता है, ए टू मिटो देता हूं 3 है और माइनस ए 8 है, 8 माइनस का है इसलिए माइनस वाले बचेंगे, माइनस का 5 होगा, डी का मान माइनस 5 हो गया, एन कितने पदों तक, अब 22 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है, ये एन का मान 22 हो गया। अब ये सारे आंकड़े जो आपके पास है वो दिए गए सूत्र में रख दें, ये मिटा देता हूं। अब आइए एस 22 अर्थात 22 पदों का योगफल क्या होगा, एस 22 एन बटे दो, एन का अर्थ है 22 बटे दो गुणा दो ए, ए आपके सामने 8 है और प्लस 22 माइनस 1 कोष्ठक बंद कर दें, बड़ा कोष्ठक बंद कर दें, डी का मान माइनस 5 है इसलिए छोटे कोष्ठक में लगा दें, अच्छा लगेगा माइनस 5 ये छोटे कोष्ठक में, 22 में 2 का भाग लगा दें 11 आ जाएगा, काट दें 11 आ जाएगा, 14 के गुणा कर लें 16 प्लस 22 में से 1 घटा दें, थोड़ा ध्यान दें चिन्ह को चिन्ह से गुणा कर लेंगे माइनस आ जाएगा, 22 में से गया 21 और गुणा 5, मैंने चिन्ह बदल दिया नहीं तो माइनस 5 रख लेता वो भी सही। अब आइए 11 का 11 रख ले 16 सेम, 21 पांच 20 पांच 100 में 5 जोड़ दें 105, अब 105 माइनस का है 16 10 का है बचेगा किसका, माइनस वाला बचेगा, 105 में से 16 घटा दें 15 में से 6 15 में 6 गया माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, 15 में से 6 घटा दें 9 रह जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में से गया 8 रह जाएगा और ये आपका 89 बच गया भाई और वो भी किसका बचेगा माइनस का बचेगा, तो 11 गुणा माइनस 89, अब फिर गुणा कर लेंगे ये प्लस का था, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, 89 को 11 से गुणा कर लेंगे और 89 को 11 से ऐसे गुणा कर देता हूँ 89 और यहाँ छोड़ देता हूँ स्थान, यहाँ भी 89 सॉरी ये भी 89 गुणा हो चुका है 9, 9, 8, 17, 7, 1 और ये माइनस का चिन्ह अर्थात माइनस 7, 8, 9, 779 979 ये माइनस का आ जाएगा और ये आपका आंसर होगा। तो इसका दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट बहुत अच्छा है इसका, मैं सारा मिटा करके तीसरा पार्ट लिख देता हूँ, दूसरा पार्ट भी अच्छा था, अच्छा पार्ट वो होगा जिसमें या तो भिन्न संख्याएं आ जाए और या आपका सार व अंतर माइनस का मिल जाए, वो अच्छे पार्ट कहलाते हैं। अब आइए ये करवा देता हूँ मैं, 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 कोमा यहाँ आगे बोलेगा ये 11 पदों तक आपको जोड़ ज्ञात करना है,
योगफल ज्ञात कीजिए, मैंने लिख भी रखा ऊपर। सबसे पहले ए क्या आपके सामने, 1/15 है, कोमा लगा देता हूँ। डी क्या आपके सामने, डी होता है a2 - a, डी होगा a2 1/12 और ए हो गया 1/15 और डी 12 और 15 का एलसीएम लघुत्तम ले लें। लघुत्तम जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं लघुत्तम बता रहा हूँ, 12, 15 ऐसे लिख लेंगे। और बाग विधि दोनों हैं, 2 से बाग करें, सबसे पहले 2 से कोशिश करेंगे, 2 से इसका भाग जाता है, 6 आ गया, भाग फिर लिखते हैं हम, 15 में नहीं जाता, 15 से हम लिखते हैं, फिर 2 से भाग कर दें, 2 में भाग लगाया, 6 में भाग लगाया, 3 आएगा, 15 में कोई भाग जाता ही नहीं है। अब 2 से नया दिया जाता है, नया 15 जाता है, आगे 3 का नंबर आता है, 1 आ जाएगा और 15 में 3 का भाग लगा, भाग फिर लिखा जाता है, फिर से बोल रहा हूँ 5, 1 और 1। अब 5 में केवल 5 पे भाग, अब सबको गुणा कर लेंगे, 2 × 4 किया 12 × 60 इसका लघुत्तम आ जाएगा। ये बच्चों वाला काम है, कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब आइए 60 का लघुत्तम में हर का भाग लगा देते हैं, 60 में 20 का भाग लगा दें, सॉरी 12 का भाग लगा दें, 12 × 60 भागफल 5 आया, 5 को 8 से गुणा कर लेंगे 5 आ जाएगा, माइनस वही काम फिर कर लें, 60 में इस हर का भाग लगा दें, 15 का 15 × 4 = 60, 4 पे गया भाग और 4 को 1 से गुणा कर लें 4 आ जाएगा। अब घटा दें, डी बराबर 5 + 4 - 1 बचेगा प्लस का, डी का मान 60 हो गया। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब आपके पास ए भी है, आपके पास डी भी है, कितने पदों तक ज्ञात करना है, 11 पदों तक, एन बराबर लिख दें 11। ये आपके पास 3 आंकड़े, 1, 2 और ये तीनों आंकड़े, ये तीनों आंकड़े दिए गए सूत्र पर रखते हैं, अंक गणित बन जाएगा उसके बाद, और उसको हम कर लेंगे, एस 11 बराबर एन बटे 2, यानी 11/2, एन बटे 2 का अर्थ लिखते हैं 11/2 गुणा 2 गुणा ए का मान 1/15 है, 1/15 और प्लस एन का मान 11 - 1 और गुणा डी का मान कितना आया था, 1/60 आया था, डी का मान 1/60 लिखते हैं। ये सारी भिन्न संख्याएं प्राप्त हो चुकी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब एपी का कोई रफड़ा नहीं बचा, आपको जोड़ घटाव करने हैं, यदि अंकगणित आएगा तो ये सवाल आएगा, नहीं था नहीं आएगा। एस 11 बराबर 11 में 2 का भाग नहीं जाता, सेम लिख देंगे। अब 9/15 में 2 का भाग जाता, अर्थात 2 से 15 नहीं कटेगा, ऊपर वाले से गुणा कर लें, यानी अंश कौन से, हर को हर से, हर एक होता है इसका, 15 × 1 = 15 और प्लस 11 में से 10 और गुणा 1/60। अब इसका हिसाब किताब भी कर लें, बटे में 1 लगा सकते हो, ये अंश में है, ये हर में है, गुणा में, गुणा का चिन्ह तो कटता है, 0 से 0 कटता है। अब जो बचा उसका जोड़ घटाओ हम कर लेते हैं। एस 11 बराबर 11/2 सेम, 2/15 सेम और प्लस ऊपर 1 बचा, 1 को 1 से गुणा किया 1, 6 को 1 से गुणा किया 6। अब कोष्ठक वाली संख्या फिर से भिन्न संख्या आ गई, इनका जोड़ और कर लें, यानी लघुत्तम ले लें, और मैं ये लघुत्तम यहाँ ले लेता हूँ, 11/2 और कोष्ठक लघुत्तम हरों का लिया जाता है, 15 और 6 का लघुत्तम ले लें, लघुत्तम का 15 और 15 का पाड़ा लिख लो, 6 का लिख लो, सबसे पहले कॉमन कौन आता है वो लघुत्तम होता है। चलो लघुत्तम की प्रश्नावली आएगी, दूसरी प्रश्नावली उसमें बताएंगे, 15 और 6 का लघुत्तम 30 आएगा, हल करके बताने की आवश्यकता नहीं है, 30 आएगा, लघुत्तम हर का भाग लगा तो 30 में 15 का भाग लगाया 2 आया, 2 को 2 से गुणा किया 6 आया, इसी प्रकार 6 का भाग लगा तो 30 में 5 आया, 5 को 1 से गुणा किया 5 आया और बराबर का चिन्ह यहाँ लगा दें, 11/2 सेम। अब यहाँ ऊपर वाला जोड़ में जोड़ दें 9/30, अब गुणा कर लें, 11 × 99 और 30 × 60, देखो गुणा गया भाई, 11 × 99 और 30 × 60, 99/60 कटता है तो काटते हैं, नहीं तो मैं एक बात पढ़ा कोष्ठक हटा करके लिख रहा हूँ इनको, और ये कट रहा है इसको काट देता हूँ, इसको लिख रहा हूँ 11/2 गुणा 9/30। अब 3 के पाड़े में ये भी आता है और ये भी आता है, थोड़ा आसान हो जाता है, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 30, अब कुछ भी नहीं कट रहा, ना 2 का भाग 3 में जा रहा है, ना 10 और 11 एक पाड़े में आ रहे हैं, 11 × 3 = 33 और हर को हर से गुणा कर लो 20, 33/20 कितने पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा, 11 पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा।
तो ये सवाल अच्छा सवाल था, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद सवाल नंबर दो, इसमें दो तीन सवाल बड़े अच्छे हैं। एक ही सूत्र आपको याद रखना है, उसका दूसरा रूप भी आप याद रखें, बहुत अच्छा रहेगा, उससे आप लोगों की समय की बचत होगी। और ये सवाल नंबर दो, योगफल ज्ञात कीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, एक भिन्न संख्या वाला खुद कर लेना। दूसरे का पहला पार्ट है योगफल ज्ञात कीजिए, एक ही का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करो, ये योगफल ज्ञात करने के लिए सवाल नंबर दूसरे का पहला पार्ट है, और ये पार्ट है 3 + 11 + 19, यहाँ प्लस 3 डैश और फिर प्लस 803। इस सवाल को समझने की आवश्यकता होगी। इसका सेकंड पार्ट जो है वो ऐसा ही होगा, थोड़ा भिन्न संख्या में है। आइए, इसका कहने का अर्थ है, इस एपी ये एपी है, दरअसल ये है 3, जोड़ लगा दिया मैंने इसने ऊपर 11, 19, डैश 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 और लास्ट में लिख दिया 803, यहां भी कोमा भाई, ये आपकी एपी है। अब यहां दो बातों की आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता है कि इस एपी को 803 तक लिखते जाएं तो कितने पद आएंगे, n का मान तब प्राप्त होगा, n हमारे पास नहीं है। नहीं है तो हमारे पास क्या क्या है, ए हमारे पास है, डी हम याद कर लेंगे, वो क्या है, पिछली प्रश्नावली में जाइए, वो an है। अर्थात सबसे पहले लिख रहा हूं an बराबर 803, बहुत अच्छा सवाल हुआ है। अब उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है, ए का मान 3 और डी का मान होगा a2 - a, इसी के सामने कर देता हूं 11 - 3, नीचे करना डी बराबर 11 - 3, अर्थात डी का मान आ जाएगा आपका 8 और 3 = 11, आपके पास डी मिल गया, आपके पास ए एन मिल गया, आपको डी की आवश्यकता थी, एन की आवश्यकता है, ए की आवश्यकता है, डी की आवश्यकता है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ए एन है लेकिन एन की तो आवश्यकता ही नहीं है, हमारे पास ए है, हमारे पास डी है, अब है क्या नहीं, ये ज्यादा है, एन नहीं है, उसकी कमी है, तो एन ज्ञात करने के लिए तुरंत यहां जब भी एन का नाम आए एन का सूत्र याद रख ले, ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी, इससे हम एन का मान ज्ञात कर लेंगे। ए एन को मैं यदि एन लिख लूं तो बड़ा काम आएगा, ये ए एन का हटा दें 803 रखते हैं बराबर, ए को हटा दें 3 रखते हैं, प्लस एन माइनस के एन नहीं था हमारे पास, गुणा डी हटा दें 8 रखते हैं, 8 का 8 रख दिया, 3 को इस तरफ ले आओ, प्लस का माइनस का जाए 803 माइनस 3 बराबर, गुणा कर ले 8 से, इसको गुणा कर ले, ये गुणा कर ले, गुणा किया 8 को 8 है, गुणा किया माइनस 8, 803 में से 3 घटाते 800 बचेगा, और 8 को उधर से उठा के लाएंगे प्लस का 8 हो जाएगा और बराबर 8 है। अब दोनों पलड़े घुमा दे, 808 हो चुका है, 8 एन बराबर 808, और एन का मान निकाल लें 808 बटे में 8, भाग दे दें 8 × 82 = 10 में कट गया 101, एन का मान क्या आया 101 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, अर्थात एपी में आपको 101 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। अब एन का मान क्या मिल गया हमें, बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं एन बराबर 101 मिल गया है। सवाल को घुमा के बोल दिया, अगर यहाँ ये लिख देता 3, 11, 19 के 101 पदों का जोड़ ज्ञात कीजिए तो हमारा सवाल नंबर एक हो जाता सेम टू सेम, लेकिन यहाँ इस सवाल को थोड़ा घुमा फिरा करके दे दिया है। पर ध्यान रखें ये आखिरी पद है, आखिरी पद एनवा पद है, एनवे पद को एन कहते हैं, एन का मान रखने के बाद हमारे पास एन का मान 101 प्राप्त हो रहा है। अब सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, दिए गए सूत्र में किन किन की आवश्यकता थी, एन की आवश्यकता है हो रहे हैं अपने आवश्यकता पूर्ति, डी की आवश्यकता है वो भी पूर्ति होगी, और एन की आवश्यकता है ऊपर वाला सूत्र देखिए वो भी हमारा पूरा हो चुका है। अब इसको हटा देता हूं और वो सूत्र लगाना समझदारी होगा, यहां रख देंगे तो भी सवाल हो जाएगा और यहां रखेंगे तो भी हो जाएगा।
एस कितना 101 पदों का जोड़ ज्ञात करना है आपको, एन कितना 101 बटे में दो कोष्ठक लगा दें, ए क्या है, ए का मान 3 है, 3 प्लस एन क्या है, एल ए एन होता है 803 है या 803, ये आपका सवाल हो चुका है। अर्थात ये इसका सॉल्व रूप आ गया। ये रूप कब काम में लेंगे, जब हमारे पास L का मान दिया होगा तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे, तो हमें सुविधा होगी, समय की बचत होगी। S 101 बराबर 111 में 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि यह भाज्य संख्या है, 2 भाज्य है, 803 में 3 जोड़ दें, गुणा का चिन्ह लगा दें, कोष्ठक हटाते ही गुणा हो जाएगा, 806 हो जाएगा। 6 आखिरी अंक 6 है, ये भी समय, ये भी समय, 2 से कटेगा निश्चित, 2 का आधा भाग देगा अर्थात आधा कर दे, 800 का आधा 400, 3 का अर्थ 3 का आधा सॉरी 6 का आधा 3 तो 403, ये आपका गुणा कर लें। एस 101 बराबर 101 गुणा 403, गुणा खुद करेंगे, इनका गुणनफल करेगा जो आएगा वो यहाँ तक के पदों का योगफल प्राप्त होगा। अब दूसरा पार्ट इसका मैं नहीं करूँगा। तीसरा सवाल बहुत बढ़िया है, तीसरे सवाल में आपको यदि द्विघात समीकरण आएगा तो तीसरा सवाल आएगा, द्विघात समीकरण नहीं आएगा तो तीसरा सवाल आपको नहीं आएगा, ये नहीं कहूँगा। अब आइए तीसरा सवाल लिख रहा हूं मैं, सवाल नंबर 3 है, 9, 17 और 25 एपी, 9, 17, 25 डैश 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 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल 636 हो जाए, के कितने पद लें या लिए जाएं कि योगफल 636 हो जाए। ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा। ये आपको क्या लगता है कितने, अब कितने आदमी थे, कितने संख्या का जाती है, एन ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना, क्या क्या दिया वो देख लें। ए बराबर पहला पद 9 दिया हुआ है, डी ज्ञात कर लेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 17 माइनस 9 डी बराबर, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, 17 में से 9 घटा दें 8 बचेगा। आपके पास डी है, आपके पास ए है, तो ये क्या है, यहाँ इसके आगे देखिए योगफल, योगफल के लिए किस गणितीय संकेत का उपयोग किया गया है, एस एन का उपयोग किया गया है, अर्थात आपके पास एस एन है, एस एन का मान 636 है, ये आंकड़े आपके पास है। कितने पद लिए जाएं अर्थात एन का मान आपको ज्ञात करना है, ये एक मिल गया, 2 मिला, 3 मिला, है कितने ज्ञात राशियां, 1, 2, 3, 4 है, अर्थात एक विलुप्त है, तो उसके लिए सूत्र में मान रख दें, सूत्र में ना लिखूं तो वही कर रहा हूं उसी के सामने, ऐसे ना हटा रहा हूं, ऐसे की सीट में 636 लिख रहा हूं, हटाया 636 लिख दिया, एन का पता नहीं है, बटे में 2 लिख दिया, 2 गुणा ए का मान 9 है, ए को हटाया 9 लिखा, गुणा था बीच में से, प्लस एन फिर से पता नहीं है, माइनस 1 गुणा डी फिर से 8 है आपके पास, गुणा 8, ये लोग गुणा 8 बड़ा कोष्ठक बन। अब यहां आगे थोड़ी दिक्कत आ रही है, ये आपका बाहर में इस तरफ आएगा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएगा, गुणा में आ जाएगा, 636 को 2 से गुणा कर दें, मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, 636 गुणा 2 करूँगा, बाद में लिख दिया है ना पहले, सेम टू सेम अकेला रह गया है, बटे वाला 2 इधर आके गुणा हो गया है, पहले गुणा कर दें, 9 को 2 से गुणा किया 18 है, प्लस कोष्ठक हटाएंगे 8 को एन से गुणा कर लें 8 है, चिन्ह को चिन्ह से गुणा करें, प्लस का भी प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस और 8, ये आपका कोष्ठक में जो प्राप्त हो गया। अब देखिए
कोष्टक में अंकगणित के दो पद है, एक तो ये एक ये, ये प्लस का 18 है, ये माइनस का 8 है, प्लस का 10 बचेगा। तो इसको गुणा करना चाहो तो कर लो, 636, 600 का दुगुना 1200 और 36 का दुगुना 72, 672 आ जाएगा बराबर। एंड सेम रहने दें, कोष्टक लगा लें, 18 प्लस का 8 माइनस का 10 रह जाएगा और प्लस 8 है। अब ये नई स्थिति पैदा हो गया आपके सामने। आप कोष्टक जैसे ही हटाएंगे तो n से गुणा करेंगे, n n को 10 से गुणा करेंगे पहले, फिर n को 8n से गुणा करेंगे। वो गुणा यहां कर रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड में था, राइट हैंड में लिख रहा हूं 1272, राइट हैंड में लिख रहा हूं, एक बार 1272 मैंने राइट हैंड में लिख दिया, 1272 लिख दिया। अब वो गुणा वाला सिस्टम अब गुणा कर रहा हूं, n को 10 से गुणा किया 10n, और n को प्लस एन, प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, 8 को एन से गुणा करना है, एन को किससे गुणा करना है 8n से। एन यहां एक्स मान लिया, आधार समान है, यहां आधार एन है, यहां भी आधार एन है, घातांक एक है, घातांक एक है, आधार समान हो तो गुणा में घातांक के जुड़ जाते हैं, घातांक भी अपनी प्रश्नावली में मैंने करवा दिए, मेरे वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। तो क्या आया 8n को एन से गुणा किया, तो क्या बचा प्लस 8n से। ये अब यहां एन की घात दो, यहां अकेला एन, ये अक्षर पद है, तो आपको शायद द्विघात समीकरण याद आ रहा होगा, द्विघात समीकरण बन चुका है। क्रमानुसार लिख दें, बड़े बड़ी घात को आगे, ये बड़ी घात वाले पद को आगे लिख दिया, उससे छोटी घात प्लस का 10 है, एन है, उसको पीछे लिख दिया, दोनों में पढ़ लेते हैं, उसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, 1272 प्लस का था माइनस का हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल बन गया। अब बताइए द्विघात समीकरण लिखा है, यहां जो चर है वो n है, यहां चर n है, अर्थात वह समीकरण जिसमें किसी भी चर की घात हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण की मैं परिभाषा वगैरह सब कुछ बहुत कुछ करवा चुका हूं मैं। अब यदि ये कोई ये कहते 8x² प्लस 10x माइनस 1272 अब याद आ गया होगा आपको, क्योंकि हमारे सारे जो सवाल थे द्विघात समीकरण में सारे x का वाई के रूप में थे, ये n के रूप में आया है। अब यहाँ x की घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का लेफ्ट हैंड वाला भाग, ये वाला भाग या ये वाला भाग त्रिपद गुणनखंड है, तीन पद है, एक पद, दो पद और तीन पद, और बराबर में 0 आते ही समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। इसको हल करने के लिए यदि आसान बनता है तो आसान बनाते हैं, आसान का अर्थ है यदि कॉमन आता है अर्थात किसी से भाग जाता है सारे पद तो भाग करते हैं, दो से भाग जाता है, दो से भाग जाता है, दो से भाग जाएगा, इकाई अंक दो है तो दो से भाग करते हैं, दो से भाग करने पर दो से भाग करेंगे, दो से भाग किया 4 आ जाएगा, 4n² का कुछ नहीं बिगड़ेगा, दो से भाग किया 5n सेम रहेगा, माइनस 1272 को हमने दो से गुणा किससे किया था, 1272 मिला 636 से किया था, तो 636 आ जाएगा बराबर 0। अब ये समस्या भयंकर समस्या खड़ी हो गई आपके सामने। अब द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां थी, मैं याद दिला रहा हूं, पहली विधि का नाम था गुणनखंड विधि, दूसरी विधि का नाम था पूर्णवर्ग विधि, और तीसरी का नाम था द्विघाती विधि। आपको जो अच्छी लगे उस विधि से कर लें, मैं कोशिश कर रहा हूं गुणनखंड विधि से यह सवाल हो जाए, ये फिर से लिखूंगा। अब गुणनखंड विधि से भी आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं पहले पद को आखिरी पद से गुणा कर लें, तो और फिर द्विघाती विधि से करते हो तो वो भी बता सकता हूं। 636 को किससे गुणा करें, 4 से गुणा कर लें, 4 2 12 14 का 4 1 और 624 2544 आ गया। पहले पद को आखिरी पद से गुणा किया, हमारा 2544 एन स्क्वायर आया, एन स्क्वायर को एन गुणा एन करके हमारे पास रख ले या जेब में डाल ले, बता सकता हूँ आपको 2544 का 2544 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, एक ये और एक ये, या तो इनको जोड़े या घटाए, बीच वाला पद आ जाए, यानी बीच वाला पद क्या है 5n आ जाए, तो ये हमें करना है। ये करने के लिए बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा सवाल हो चुका है,
मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग समझ रहे हो। 2544 के यह बाजे गुणनखंड कर ले, दो से जाएगा भाग, दो से गया दो एकम दो, उतार लिया पांच, दो दुआ चार, बचा दो बना चौबीस, सॉरी बचा बना चौदह, सात दो चौदह और दो दुनी चार, 1272, दो से फिर कर ले, दो से किया 636, फिर दो से कर ले 318, फिर दो से कर ले और दो से 318 को भाग लगा देंगे, हमारा जो भागफल आएगा वो लिखना है। और भागफल क्या आया, दो एकम दो बचा एक बना ग्यारह, दो पंच दस भाई, बचा एक बना अठारह, दो नीचे अठारह, ये भाई। अब ये दो से नहीं जाएगा, तीन से देखिए, पांच और एक और पांच छः, छः और नौ 15, ये तीन से जाएगा। अंकों का योग यदि तीन से भाग जाता है तो वह पूरी संख्या तीन से भाग जाएगी, तो तीन से भाग कर ले, तीन से भाग किया, तीन पांच 15 और तीन तीन 9। अब 53 मुझे लग रहा है किसी से भाग नहीं जाएगा, 53 एक अभाज्य संख्या है, किसी के पाड़े में नहीं आती है 53, यदि आपको पता हो तो अभाज्य है, इसलिए 53 केवल 53 से भाग जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो टुकड़े बने हैं वो 1 2 3 4 5 6 बने हैं, लेकिन हमें तो दो ही बनाने थे, याद हो तो दो बनाने, तो क्या करेंगे, इनको गुणा करके प्रयास कीजिए, और मैं गुणा करके थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इन सबको गुणा कर रहा हूँ, 2 2 4 8 16 और 16 3 48, इन सब का गुणा, इन पांच गुणनखंडों का 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का गुणा दोबारा कर रहा हूँ, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48, अर्थात इन सबको गुणा करके मैंने इनके स्थान पर 48 लिख दिया। अब दो टुकड़े हुए 48 और 53, हमारे पास दो टुकड़े हुए 53 और 48, पहले जोड़िए क्या मध्य पद मिलेगा, 5 है नहीं मिल सकता इनको, यदि हम जोड़ेंगे तो 53 में 48 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 8 3 11 और 101 हो जाएगा, इसलिए जोड़ मध्य पद नहीं मिला, घटाइए 53 में से 48 घटा देंगे 5 मिलेगा, बस ये अपना काम हो गया, अर्थात फाइनल हमारा टुकड़ा क्या था 53 और 48, तो 53 के साथ भी एन लगा दें और 48 के साथ भी एन लगा दें। बड़ा टुकड़ा कौन है, बड़ा 53 है, 53 को मध्य पद का चिन्ह देते हैं, मध्य पद क्या है, वहां 5n है, 5n का क्या चिन्ह है, प्लस है, इसको प्लस दे दें, लाना कितना है 5n प्लस का लाना है, इसको आवश्यकता अनुसार दे दें, ताकि माइनस का होगा तभी तो हमारा सवाल सही होगा। हम हटाते हैं इसको और लिखते हैं, अर्थात ये मिटो रहा हूं मैं और ये यहां लिख रहा हूं, 4n² और प्लस 53n माइनस वो रहा 48n और बराबर माइनस कितना 636 और बराबर 0, ये त्रिपद के 4 पद हो चुके हैं, 4 पदों में 2 2 पदों में से कॉमन ले लेंगे, पहले 2 पदों में से कॉमन फिर अंतिम 2 पदों में से कॉमन ले लेते हैं, पहले 2 पदों में कॉमन ले रहा हूँ, 4 और 53 में कोई कॉमन नहीं है, ये 2 से भाग जाती है 2 से भाग नहीं जाती, कोई कॉमन नहीं है, n कॉमन आ जाएगा, बचा 4n और प्लस 53, छोटा पोस्टर लगाया था सॉरी, और यहाँ क्या कॉमन है, सोचिए क्या कॉमन आना क्या चाहिए, यहाँ 4n आना चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल, 4n, इसका मिलान कीजिए, मैंने कहा था पोस्टर के पद समान आना चाहिए, 4n आना चाहिए, 4n कब आएगा, इसको किससे भाग दें कि 4 आ जाए, मुझे लगता है कि 16 से भाग देंगे, 16 3 48 होता है, 12 4 48 12 से, यानी 12 कॉमन आएगा, और ये 12 कॉमन यानी 48 में किसका भाग लगाएंगे 12 से, तो क्या आएगा 4 आएगा, इसलिए 4 आना चाहिए था, 4 आ गया और माइनस 12 माइनस है तो अंदर का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, 636 में कॉमन का भाग लगा दें, 636 में 12 का भाग लगा दें, हमारा 53 आए तो सही है लेकिन गलत है, लगाओ भाग, 12 का भाग लगाया, 12 एकम 12 2 24 और 12 3 36 12 4 48 12 5 60 5 60 बचा 3 13 6 12 3 36 53 आया यहाँ 53। अब मैंने बताया था
क्या कोष्टक के पद समान है? हाँ बिल्कुल सेम टू सेम है, चिन्ह भी नहीं चेंज है, इसलिए एक बार लिखते हैं 4n+53 और कोष्टक बंद। बचा क्या यहाँ 4n, सॉरी n बचा, माइनस क्या बचा 12 = 0। अब ये सवाल यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, यदि ये बराबर 0 तो क्या होगा, यदि ये बराबर 0 तो क्या होगा, 4n+53 = 0 पक्षांतर कर लो तो 4n = -53 और n = -53/4। एक तो यह आया n का मान, और क्या आया n-12 = 0, n = 12। पदों की संख्या -53/4 कभी नहीं हो सकती, याद रखिए कि पद कभी भी माइनस में नहीं हो सकते और पदों की संख्या कभी भिन्न संख्या में नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट स्टेप है, 53/4 का भाग नहीं जाता, अगर पूरा पूरा चला भी जाता तो माइनस का आ जाता, इसलिए n का मान कभी भी भिन्न संख्या में और ऋणात्मक नहीं होता। तो क्या होगा, n का मान 12 होगा, n का मान 12 होगा, अर्थात 9, 17, 25 को आगे तक 12 तक लिखते जाए, 12 पदों तक, और फिर उनका जोड़ करें तो 636 आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। यहां एक लाइन लिखनी है जो मैं लिखता हूं, पदों की संख्या, संख्या इतनी है लिखा हूं, कभी भी माइनस की नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, नहीं होती, इसलिए n बराबर 12 होगा, n बराबर 12 होगा। ये कैंसिल, क्योंकि ये लिख दिया मैंने, इसलिए इस एपी के 12 पद लें, फिर उनको जोड़ें, उनका जोड़ 636 ही प्राप्त होगा। अब आइए अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, सेम टू सेम इसी जैसा है कि एक एपी दी हुई, उसके कितने पद लेंगे, योगफल 693 हो जाएगा, करके देख लेना। चौथा सवाल, तीसरे सवाल के दो पार्ट थे, मैंने एक करवा दिया है, चौथे सवाल के आता हूँ। चौथे सवाल के दो पार्ट है, एक बता दो आसान सा पार्ट है, चौथा है निम्न एपी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, निम्न एपी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, पदों का योग इतना ही लिखा, एपी नहीं दी हुई है, जिसका एनवा पद दिया गया है, जिसका एनवा पद डैश नीचे दिया गया है, नंबर फर्स्ट एनवा पद है जो लिख रहा हूं वो, ये एनवा पद है, an बराबर 3+4, बहुत ही अच्छा सवाल। हमारे पास एपी नहीं है, इसने बोल दिया कि 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, आपके पास एपी नहीं है, योगफल कैसे ज्ञात करोगे, तो पहले एपी ज्ञात कर ले, ये एन का मान दिया हुआ है, अर्थात एन के स्थान पर यदि हम 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे, एपी के पदों की संख्या मिलती जाएगी एन बराबर 1 रखने पर, बहुत ही आसान है वैसे, एन का मान 1 रखने पर, यहाँ 1 रख दो, एक यानी पहला पद, 3+4 × 1 रखना है कोष्ट, एन बराबर 2 रखने पर रख दें, ए 2 यहाँ 2 हो जाएगा, एन के स्थान पर एन हट गया, 2 लिख दिया, 3+4 × खाली स्थान में 2 लिख, एन बराबर 3 रखने पर, एन बराबर 3 रखने पर, और 3 रख रहा हूँ मैं यहाँ, या 3 रख रहा हूँ, ए 3 बराबर 3+4 × खाली स्थान, तो पहले देख रखना था कोष्टक में, तो 3+4 = 7 आ जाएगा, जोड़ करेंगे, अब 2 रख रहा हूँ, मौखिक कर रहा हूँ, 4 को 2 से गुणा करेंगे, पहले 8 को 3 जोड़ दिया, 11 आ जाएगा, पहला पद तो आया 7, दूसरा पद आया 11, तीसरा एन के स्थान पर 3 रखना है, पहले गुणा करने चाहते हैं 12, समझ लिया होगा, 12 में 3 जोड़ दें, 15 आ जाएगा, 3 पद ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमें ज्ञात कितने पदों का जोड़ ज्ञात करना है, 25 पदों का, एपी नहीं थी, एपी मिल चुकी है, एपी क्या हो गया हमारी, पहला पद कितना 7, दूसरा पद फोमा लगा दें 11, तीसरा पद 15, और डैश 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 कितने पदों का, 25 पदों का, क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात, अब पहला सवाल बन चुका है, पहले सवाल का पहला पार्ट हो चुका है,
अब आपके पास सारे आंकड़े मौजूद हैं, a बराबर 7, d बराबर 11 माइनस 7, d बराबर 4, d का मान मिल गया, a का मान मिल गया, कितने पद 25, n का मान 25 मिल गया, सब कुछ आंकड़े आपके पास है, ये सूत्र नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमें l का पता नहीं, सॉरी हाँ l का पता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, l के साथ ये नहीं लिखेंगे, एल का पता नहीं है, इसलिए वो सूत्र लगा दें एस एन बराबर एन बटे दो गुणा दो ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी, कोष्टक बंद करते हैं, सारे आंकड़े रखते हैं और 25 पदों का योगफल आपको प्राप्त हो जाएगा। एस 25 बराबर एन के स्थान पर 25 बटे में दो गुणा दो ए, ए आपके सामने है, दो गुणा सात प्लस एन का मान 25 माइनस 1 गुणा डी का मान भी आपके पास है 4, यहाँ 4 लिख दें, गुणा 4 कोष्ठक बंद, 25 में 2 का भाग नहीं जाता, लिख दें सेम कोष्ठक, पहले गुणा कर ले 7 2 14 मौखिक कर रहा हूँ, प्लस 25 में से गया 24 लिख दें, 24 गुणा 4, अब कोष्ठक में दो चिन्ह आ चुके हैं, गुणा और जोड़ कई बार आ चुका है, पहले गुणा कर लेंगे 24 96 प्लस 14, कोष्ठक में क्या बचेगा 96 प्लस 14, यहाँ लिख रहा हूँ एक लाइन और बची मानो, तो क्या बचा 25 बटे 2 और कोष्ठक का कोष्ठक 14 प्लस 96, 14 में 96 जोड़ दें 4 10 और 116 120 आ जाएगा, सॉरी तो 25 बटे 2 इनका जोड़ करेंगे 6 में 4 जोड़ा 10 की 0 वहाँ से 1 9 1 10 11 110, अब ये हर में ये अंश में ये कट जाएगा, 110 में 2 का भाग लगा देंगे 55 आ जाएगा, 55 दूगा 110 भाई 55, और 55 को किससे गुणा कर लेंगे 25 से गुणा कर लेंगे, आपके 25 पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा, लास्ट में क्या बचा 25 गुणा 55, तो गुणा कर रहा हूँ मैं मौखिक गुणा कर सकता हूँ 25 पंजो 125 और 25 पंजो 125 5 7 3 1 1375 आ जाएगा, और ये कितने पदों का जोड़ आ जाएगा एस 25 अर्थात जो एपी का एनवा पद दिया हुआ था उसके 25 पदों का योगफल 1775 होगा। अब आइए इसका दूसरा पार्ट है, मौखिक है दूसरा, अच्छा है दूसरा पार्ट, ए भी बना देता हूं मैं दूसरे पार्ट की, दूसरा पार्ट एनवा पद लिखा हुआ है और वो ये है ए एन बराबर 7 माइनस 3 है, एन बराबर कोई काम करना एक रखने पर रख दें, ए एक बराबर 7 माइनस 3 गुणा कोष्ठक एक रख दो, अथवा कर लेते हैं 3 एवं 3 7 में से 3 गया 4, पहला पद 4 आ गया, एक ही का प्रयास करो यहाँ, एक ही पहला पद क्या है 4, एन बराबर 2 रखते हैं फटाफट हो जाएगा, यहाँ 2 रखते हैं तो ए 2 बराबर यहाँ भी 2 रखते हैं 7 माइनस 3 कोष्ठक 2, कोष्ठक डालते हैं गुणा करते हैं और क्या आ जाएगा 1, अगला पद क्या आएगा 1, अगला पद आप याद कर सकते हो और इसके 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, एन बराबर 3 रखते हैं इसको मिटा रहा हूँ, एन बराबर 3 रखने पर, एन बराबर 3 रखने पर ये मिल या 3 तीसरा पद आ जाएगा 7 माइनस 9, 7 में से 9 घटा दें माइनस 2, अगला पद माइनस 2 आ जाएगा, डैश 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 कितने पदों का योग याद करना है 25 पदों का योग याद करना है 25 पदों का। अब सारे आंकड़े आपके पास है, ए का मान 4 है, डी ए 2 माइनस ए होता है, डी हो जाएगा माइनस 3, डी माइनस 3, ये ए का मान माइनस प्लस 4, एन का मान क्या होगा 25, ये सारे आंकड़े एस एन के सूत्र में रखिए, तीनों आंकड़े यहां रखते हैं और आपके 25 पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा।
अब आसान सवाल है ये और अच्छे भी है। सवाल नंबर पांच, सवाल नंबर पांच में थोड़ा सा बता देता हूं। सवाल नंबर पांच जो आपका है वो ये है, पढ़ रहा हूं मैं सवाल नंबर पांच। समांतर श्रेणी के पहले ग्यारह पदों का योग पहले याद कीजिए। एपी के पहले 51 पदों का योगफल याद करो। कब सत देवी आ गए, कब जिसके द्वितीय और तृतीय पद, जिसके द्वितीय व तृतीय पद क्या क्या है, द्वितीय और तृतीय पद है 14 और 18 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात एस 51 आपको ज्ञात करना है। एस एन बराबर एन बटे दो गुणा 2a प्लस एन माइनस ए गुणा डी आपका सूत्र मैंने फिर से लिख दिया। इसमें किस किस की आवश्यकता है, एन की आवश्यकता पूरी हो चुकी है, एन का मान 51 है, ए की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है, हमारे पास है ही नहीं, और डी की भी आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। तो दिया हुआ क्या है, द्वितीय पद ये है, तृतीय पद ये है, यह दिया हुआ है। द्वितीय पद का अर्थ होता है ए टू होता है, ए दो दिया हुआ है, ए दो दे रखा 14 कोमा, तृतीय पद का अर्थ है ए तीन हो गया 18। न आपके पास पहला पद है, बहुत अच्छा सवाल है, न आपके पास पहला पद है और न डी है। अब आपके पास दूसरा और तीसरा पद है, तो डी क्या होता है, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये तो आप जानते हैं। डी बराबर क्या होगा, 18 माइनस 14, डी कितना हो गया 4 हो गया, 18 माइनस 14 घटा देंगे 4 हो गया। अब आपके पास डी तो मिल गया, ए नहीं मिला, प्रथम पद नहीं मिला, तो ये आप ये भी सोच सकते हो 14 18 एक लिख रहा हूं, कितना अंतर है 4 का, आगे लिखोगे 20, आगे लिखोगे 24, यहां क्या लिखोगे, वो ये कहलाएगा, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, चौथा है, जो भी चलता है। अब आपको एक याद करना है, एक याद करने के लिए यदि आपको सूत्र है याद है तो मैं लिख देता हूं, ए बराबर ए टू माइनस डी, याद है तो सूत्र की कहीं आवश्यकता नहीं है, आप सोच सकते हो। वैसे डी पूछ लो तो क्या कहोगे आप, ए टू माइनस ए, पक्षांतरण कर लो, ए को इस तरफ ले आओ, डी उस तरफ ले जाओ, देखो ए इस तरफ आया, ए प्लस का हो गया, ए टू पढ़ाई राइट हैंड में, डी उस तरफ गया माइनस का हो गया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और ये क्या किसका माना जाएगा, ए का माना जाएगा, ए का मान निकाल लो जिसकी हमें आवश्यकता है, ए बराबर ए टू कितना है 14, डी अभी निकला है माइनस 4, 14 में से 4 घटाएंगे 10 बचेगा, ए का मान क्या आया 10 आया, ये देखो ये 10 14 18, पहला पद दूसरा पद बोल रखा है, दूसरा पद 14 है, तीसरा पद भी बोल रखा है, तीसरा पद 18 है। अब आपको एसएन ज्ञात करना है और ये खुद ज्ञात कर ले भाई, गर्मी बहुत हो रही है। धन्यवाद, अगले वीडियो में शायद मैं कोशिश करूँ त्रिकोणमिति करवाने की।